क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, क्या होगा इससे फायदा, क्या है नुकसान, चुनाव का भारी खर्च कैसे होगा कम, कैसे सरकार करेगी सरकारी धन की बचत। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा इन दिनों जोरों शोरों पर है। सरकार ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराए जाने के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। कोविंद का पैनल लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं और तंत्र का पता लगाएगा। हालांकि यह बताना जरूरी हो जाता है कि भारत में 1976 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ होते रहते थे। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग इस सिलसिले में पहले ही अपनी सिफारिश कर चुका है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और 2015 से 19 तक नीति आयोग के सदस्य विवेक देबराय द्वारा एक जारी रिपोर्ट में कहा गया कि एक भी साल ऐसा नहीं है जब किसी राज्य विधानसभा या लोकसभा के लिए चुनाव न हुआ हो। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि यही स्थिति आगे भी बनी रहने की भी संभावना है। इस स्थिति के कारण बड़े पैमाने पर धन का खर्च के साथ साथ सुरक्षा बलों और जनशक्ति आदि की लंबे समय तक तैनाती होती है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी धन के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था अन्य जरूरी कामों में अपना ध्यान लगा सकती है। विवेक देबराय ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि अलग अलग वक्त पर चुनाव कराने से शासन के स्तर पर क्या क्या परेशानियां आ सकती है। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि शासन के बड़े क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव मूर्त और अमूर्त दोनों है। देबराय ने कहा कि स्पष्ट रूप से बार बार आदर्श आचार संहिता लगाए जाने से विकासात्मक परियोजनाएं और अन्य सरकारी गतिविधियां निलंबित हो जाती है। बार बार चुनाव का बड़ा अमूर्त प्रभाव यह है कि सरकार और राजनीतिक दल लगातार प्रचार मोड में रहते हैं। बार बार चुनाव होने से चुनावी मजबूरियां निधि निर्धारण के फोकस को बदल देती है। इस दौरान लोकालुभावन वादे और राजनीतिक रूप से सुरक्षित उपायों की उच्च प्राथमिकता दी जाती है, जो लंबे वक्त के लिए शासन व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होते हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि लगातार होने वाले चुनाव के चलते सरकार या सियासी पार्टियां हमेशा चुनावी मोड में रहती है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोकालुभावन वादे किए जाते हैं, जिससे जरूरी योजनाओं का कार्य ठप पड़ जाता है। भारत के विधि आयोग ने चुनावी कानूनों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में इस विचार का समर्थन किया है कि हमें उस स्थिति में वापस जाना चाहिए जहां लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं। विधि आयोग ने सुझाव दिया कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद समाप्त हो रहा है, उनके चुनाव एक साथ किए जा सकते हैं। ऐसे चुनावों के नतीजे विधानसभा कार्यकाल के अंत में घोषित किए जा सकते हैं।